FIA पाकिस्तान का वफाकी तहकीकाती इदारा, जिसे 23 जनवरी 1975 में 43 साल कबल जराइम की बढ़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बनाया गया, जिसने चंद सालों में कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। साइबर क्राइम से मुराद है ऐसा क्राइम जो इंटरनेट, मोबाइल फोन, बगैर किसी टच किए हुए, फिजिकली कहीं जाए बगैर इंटरनेट के जरिए कोई क्राइम कर दिया जाए, वो साइबर क्राइम है। इदारे को मौसूल होने वाली शिकायत पर मुतल्लिका डिवाइस या मीडिया सोर्स फोरेंसिक टेस्ट लैब में भेज दिया जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट में जुर्म साबित होने के बाद FIA पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आ जाती है और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हम लोग जो बंदा पॉइंट आउट हो जाता है उसका डिजिटल मीडिया सीज करते हैं। अगर उसका डिजिटल मीडिया में ऐसी चीज़ें पाई जाएं जिसका कॉग्निजेबल हो, तो फिर हम डायरेक्ट FIR देते हैं, बंदा भी पकड़ के ले आते हैं। अगर नॉन कॉग्निजेबल हो तो फिर हम लोग उसका डिजिटल मीडिया ले आते हैं, उसको फॉरेंसिक होने के बाद अपनी रिपोर्ट में उस पे पर्चे की इजाज़त मांगते हैं मजिस्ट्रेट से। पिछले 5 सालों में FIA ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, जिसकी बदौलत अंदरूनी मुल्क जराइम की शरह में 50% कमी वाकिया हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों के दौरान साइबर क्राइम के 282 केसेस दायर हुए, जिनमें से 132 हल कर दिए गए, जबकि 150 जेरे तफ्तीश है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9 विद योर होस्ट फरा हाशमी। तो जनाब, रमज़ान अब कुछ ही दिनों का हमारे साथ मेहमान है और मुझे पता है कि आखिरी 10 दिनों में कितनी ज़्यादा शॉपिंग हो रही होती है, अफ्तार पार्टीज़ हो रही होती हैं, जिनसे आपने पहले नहीं मिला होता उनसे मिलना होता है। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे आपकी ये जो एक घंटा, सुबह का एक घंटा है, वो और थोड़ा एनर्जेटिक बनाए, ताकि यू नो बाकी सारे जो साथ साथ काम हो रहे हैं उस वो करते हुए भी आपको मज़ा आए और आपको बिल्कुल भी पता ना चले कि उफ आज हमने काम पे भी जाना है, आज हमने शॉपिंग पे भी जाना है, आज हमने बच्चों को भी बाहर लेके जाना है। तो सो अब ये एक घंटा स्टार्ट करते हैं और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो नाम ही से यू नो थोड़े से लाइक बड़े सीरियस टाइप के लगते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे उनका एक इनर और लाइवली साइड आपको दिखाएं। तो जी जनाब, आज हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ FIA मिस्टर मोहम्मद सरफराज है। वेलकम टू माय शो सर। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले रमज़ान मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक। तो आप मुझे बताएं कि आपका बेसिकली, आपकी जब इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो आपके लिए रमज़ान की रूटीन किस तरह की होती हैं? नॉर्मल होती है आम लोगों जैसी, लेकिन ये है कि सुबह अर्ली कोर्ट जाना होता है, अदालती कामों के बाद दोबारा ऑफिस में जाकर चीज़ों को मैनेज करना होता है और फिर आकर थोड़ा सा हक्टिक हो जाता है, बट कंफर्टेबल। नहीं, लेकिन आपका ज़्यादा हेक्टिक है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग। जैसे अगर हमारा देख लें कि हम लोग तो यू नो आके बैठ जाते हैं ऑफिस में, एसी लगा होता है और कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी रोना रो रहे होते हैं, प्यास लग रही है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन जैसा आप मुझे बता रहे हैं आपकी रूटीन तो हमसे कहीं ज़्यादा हेक्टिक और मुश्किल है। नहीं, उसमें ऐसा है कि आपकी कुछ बात इस तरह से भी ठीक है कि 99% जो रोज़े हैं वो हम लोग सहरी करके ही सोते हैं और फिर वो 3-4 घंटे जो सोने के होते हैं बस वही होते हैं, उसके बाद फिर ऑफिस, बस यही थोड़ा ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में होता है सोने का मसला, अदरवाइज़ तो बल्कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता, रोज़े का काम में, कोर्ट में जाकर, फिर जब तक घर पहुंचते हैं तो इफ्तारी होने वाली होती है। और लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इतने कम घंटे आपको मिलते हैं सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो उसके बाद भी आप फ्रेश होते हैं और इस तरह से अपनी सारी ड्यूटी को पूरे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसका क्या एक कोई टिप दें ताकि हम लोग भी 3-4 घंटे सो के उसी तरीके से फ्रेश दिख सकें जैसे इस वक्त आप दिख रहे हैं? मैडम, इसका एक जनरल टिप ये है कि आप जो भी जॉब करें, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हों और स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जॉब को ओन नहीं करेंगे, तब तक उसमें आप इंजॉय नहीं कर सकते, उसमें आप उस तरह से अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकते और काम में भी कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई नई चीज़, कोई क्रिएटिविटी। जैसे आप मेरे पिछले केसेस में नज़र दौड़ाए तो कहीं पर मैं स्टंट का रेड कर रहा हूँ न्यू हॉस्पिटल में कि यहाँ पर इलीगल स्टंट बिक रहे हैं। अगर इससे भी पीछे ले जाऊँ तो खनानी एंड कालिया एक केस था जिसके अंदर जो जी मैडम, उस पर सतारा इम्तियाज़ भी मुझे रिकमेंड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से,
तो उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर मेडिसन्स के रेड्स हैं जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स इलीगल बिक रही थी। अभी आपने ARY पे लास्ट वीक मेरा प्रोग्राम शायद देखा हो इकरारुल हसन के साथ एक घंटे का, जिसमें टेंजोल एक इंजेक्शन है जो कि पेशेंट्स को उस वक्त लगता है जब पेशेंट्स ICU में होते हैं, ओके, तो वो जाली बिक रहा था। और लाहौर के बड़े मशहूर हॉस्पिटल्स के बाहर जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर बिक रहा था, उसकी प्राइस भी 850 रुपया है। और एक पेशेंट को जब वो लगते हैं तो 10-10, 20-20 इंजेक्शन लगते हैं। मतलब गरीब आदमी, आपको पता है कि हमारे मुल्क में डिस्प्रीन ख़रीदना हो तो कितना मुश्किल होती है उसके लिए, और कोई बच्चे बीमार हो जाए तो वो सारा कुछ बेच के, अगर वो रिक्शा चलाता है तो रिक्शा बेच के इलाज करवाना पड़ता है। इसके बावजूद अगर ये मैं कहूँ कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो सिविलाइज्ड नहीं है, माजरत के साथ, क्योंकि दूध यहाँ पर मिलावट करते हैं, मेडिसन्स में जो चीज़ें इंसानी बॉडी के अंदर जानी है, मेडिसन है, स्टंट है, दूध है, आपकी और अशियाए खुर्द नोश है, इनमें मिलावट करने वाले को नहीं माफ़ करना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्से से मैडम ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुनिया का कोई मुल्क जो कि पाकिस्तान के अलावा, मेरा नहीं ख्याल कि जिसके अंदर मेडिसन्स और ये चीज़ें, कौन लोग बना रहे हैं ये लोग, हम लोग ही हैं, मैं हूँ, आप हैं, सोसाइटी मैं और आपसे मिल के बनती है ना जी। देखिए एक जॉइंट वेंचर होता है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है उसके पीछे कोई एक इंसान नहीं होता। जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं दो हाथ से बजती है। लेकिन इस वक्त हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी नाजरीन, हम दोबारा आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा कन्वर्सेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर FIA, और इनसे हम आके बात करते हैं कि डिफरेंट यूथ के प्रॉब्लम के हवाले से, क्योंकि आपको पता है नौजवानों में कितने मसले मसाइल होते हैं, हर चीज़ स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन क्यों होता है, क्या वजह बनती है यूथ में। तो सर आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आजकल यूथ जो है बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया में, शायद मोर देन 10 आवर्स भी कुछ यूथ होते हैं जो स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, और प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, क्राइम्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो आपका क्या कहना है कि यूथ कहाँ गलत जा रही है, और देखें अब जो चीज़ एक ट्रेंड में आ गई है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, मतलब सोशल मीडिया को कुछ कोई छोड़ नहीं सकता, तो उसको एक मॉडरेट वे में किस तरह से लेके जाया जाए और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, स्पेशली साइबर क्राइम के जो हर बंदा आजकल शिकार है, तो आप प्लीज़ उसके हवाले से हमें कुछ बताएं। मैडम आपने बहुत खूबसूरत मॉर्निंग शो में एक टॉपिक छेड़ दिया है लाइट सा, जो कि आपके व्यूअर्स डेफिनेटली इससे कुछ लर्न करेंगे। गुजारिश ये है कि अनफॉर्चुनेटली, मैं कहूँगा इसलिए अनफॉर्चुनेटली कि जब ये ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया बनी, एक देहात की तरह हो गई, या एक शहर या एक दूसरे से इतना इंटरकनेक्टेड हो गए कि इसको ग्लोबल विलेज कहा गया, ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू साइबर स्पेस, ड्यू टू साइबर टेक्नोलॉजी, दुनिया आपस में करीब आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर गई कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे बंदा बैठा यहाँ पर हमारे साथ वीडियो कन्वर्सेशन ओनली हमारी हैंड ड्राइव मोबाइल पे कर सकता है, वो उसके लिए बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, बड़े वीडियो कॉल भी आ गई है। एग्जैक्टली लॉट ऑफ IRQs वगैरह, डिफरेंट चैटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो चैटिंग और लॉट ऑफ सोशल साइट्स। बट मैं कहूँगा कि हम जब इस सोशल मीडिया की तरफ हमारी कौम, हमारी नेशन पाकिस्तानी हम मूव कर रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे उस्ताज़ा थे, जो हमारे तरबियत करने वाले थे, उन्होंने सिविल सोसाइटी को प्रिपेयर नहीं किया, बिल्ड नहीं किया कि अब आप अपने घरों से, अपने शहरों से, अपने मुल्क पाकिस्तान से निकल कर पूरी दुनिया में आप एक मेंबर बन रहे हो, पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी के आप मेंबर बन रहे हो, तो आपको कितना सिविलाइज्ड होना चाहिए, आपके अंदर कितनी एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए कि आप जब वहाँ पर कोई मूव करें, कोई कमेंट्स करें, कोई स्टेटस अप करें, कोई पोस्ट करें,
तो वो इतनी डिसेंट हो कि वो कम अज कम कौम को रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनली। देखिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो कीबोर्ड जहादी है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ये मुझे बताएं, जो हेट स्पीच होती है या वो क्यों जनरेट हो रही है? नॉर्मली वो हम में से होते हैं लोग। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल जो मैं आगे कहने वाला था वही क्वेश्चन पूछा है कि हेट स्पीच, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने सिविल सोसाइटी की वैल्यूज़ डिवेल्प नहीं की। उनको पता ही नहीं है कि जो हम एक कमेंट्स लिख रहे हैं वो आपके इंडिविजुअल कमेंट्स तो आप समझते हैं कि हैं, बट वो इस पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इंटरनेशनली कि हम है क्या। अब जब आप अपने स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे बच्चियां, जब इस मोबाइल कैम के ज़रिए अगर वो इमेजेस बनाकर फेसबुक पे या अपने दोस्तों में रखते हैं, और वो मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ, वो फोटोग्राफ्स की बात कर रहा हूँ जो काबिले एतराज़ होते हैं, अनएथिकल होते हैं, पोर्नोग्राफी की कैटेगरी में आते हैं, वो फोटोग्राफ्स मैं आपको, हमारे पास FIA के अंदर रजिस्टर्ड केसेस की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड इंक्वायरीज की बात कर रहा हूँ, कि जब वो बच्चे बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं, इवन वो बच्चे उनके पैदा हो जाते हैं, तो वो तब उनका एक्स फ्रेंड जो होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो उस वक्त की फोटोग्राफ्स अप करता है। और मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि जिस पे शौहरों ने बीवियों को तलाकें दे दी हैं, और लॉट ऑफ केसेस हैं ऐसे, एक केस नहीं है। इवन अज़दवाजी ज़िंदगी के दौरान लोग अपनी इमेजेस बनाते हैं। मैंने अपनी फेसबुक पे एक शेयर की है पोस्ट, जिसमें एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ को दिखाया गया है कि इस कैमरे के सामने सब लोग तो क्या हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये इनकी जो अपब्रिंगिंग को हम इसको जिम्मेदार कह सकते हैं? क्योंकि देखें, कोई भी स्कूल हमें ये सारी चीज़ें, ये यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता, तो हम कहाँ से सीखते हैं? ये लोग भी तो हम में से हैं। हमने कहीं से सीखा ही नहीं ना, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे। हम जिस तरह से गालम गलोच अपने गली मोहल्लों में होते थे, जो लैंग्वेज हम अपने घरों में इस्तेमाल करते थे, उससे भी घटिया लैंग्वेज हमने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दी है, जिससे हमारी माइंड सेट को लोग एनालाइज करते हैं कि ये नेशन किस तरफ जा रही है, इसकी सोच क्या है, ये क्या कुछ क्रिएटिविटी तो भी है। इस तरीके से तो कहा जाए कि जो अब इस तरह के लोग हैं वो बदल नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं बदल सकते हैं मैडम, बदल सकते हैं और बदल रहे हैं। आप मीडिया के आने के बाद, जो मीडिया ने इतने सोशल वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर जो आप लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, यही वो प्रोग्राम्स हैं जो सोसाइटी को सिविलाइज करते हैं। आप लोगों को, गेस्ट आप लोगों से जब कन्वर्सेशन करते हैं, तो बहुत सारी माएँ, मेरी बहनें, बहुत सारे बाप जो मेरे भाई हैं, वो अपने घरों में बैठकर उन चीज़ों को सुन रहे होते हैं, और वो भी कोशिश करते हैं अपने बच्चों की तरबियत करना, खुद बच्चे बच्चियां भी देख रहे होते हैं, वो भी सुन रहे होते हैं, उनमें से भी समझते हैं। सर, लोगों को गिल्ट होता है ये सब करके? लोगों को जितने केसेस आपके पास आए हैं, क्या उनमें से जो कसूरवार थे, क्या उनको गिल्ट था, अफसोस था कि उन्होंने किसी की जिंदगी खराब करने की कोशिश? उनमें से 99% लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये क्राइम है। अब क्राइम ना भी हो तो हमारे मजहब के पॉइंट से, मजहब को भी छोड़ दें, इंसानियत के पॉइंट से, जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कैसे राइट्स है कि मैं आपकी चीज़ों को चुरा के या किसी की चीज़ों को चुरा के फेसबुक सोशल मीडिया पे अप करूं विदाउट नोइंग, या दूसरी पार्टी से इजाज़त लिए बगैर। मैं इसकी एक बड़ी आपको अजीब सी मिसाल देता हूं कि हमारे पाकिस्तान, मैं आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात करता हूं, बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने थे तो मीडिया के लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपकी बेटी का फेसबुक अकाउंट क्या है। अब मैं उस कंट्री की बात कर रहा हूं जिसे दुनिया कहती है कि सबसे ज्यादा इंसानी हकूक है। मैं अर्ज ये करता हूं कि उस प्रेसिडेंट ने बड़ी खूबसूरती से आंसर किया कि शी इज अंडर एज, वो 18 साल से भी छोटी है, जब वो 18 साल की होगी तो देन मैंने उसे अलाउ करना है कि वो फेसबुक अकाउंट बनाए। जबकि हमारे कंट्री में अभी बच्चा पैदा होता है उसके नाम बनाते हैं, उसके नाम के अकाउंट, उसके नाम के अकाउंट की बनाकर उसके पिक्चर्स अप करते हैं, लोग फौत हो जाते लेकिन हैं। सर, जैसे बराक ओबामा सर का आपने नाम लिया, लेकिन उन्हीं की डॉटर की पिक्चर्स कुछ अरसे पहले वायरल हुई थी, वो ठीक है, देखें उनकी सोसाइटी में उस तरह की पिक्चर्स का वायरल होना कोई इशू नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो कब आई? जब वो 18 साल की हो गई, अब वो 18 साल की हो चुकी है, 18 साल पे वहाँ उस सोसाइटी को हम
उसकी पॉजिटिव चीज़ों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अपने कंट्री को नेगेटिव के साथ तो नहीं करना चाहिए ना जी जी। अगर उसकी वायरल हुई है तो हमारी बच्चियों की तो नहीं ना होनी चाहिए, होती रहे उसकी वायरल। लेकिन सर यूथ का यही मसला है ना कि वो ये नहीं समझते कि किससे कंपेयर करना चाहिए किससे नहीं। वो कहते हैं कि जी अगर आप हमें वेस्ट से कंपेयर करना चाह रहे जैसे वो सिविलाइज हैं तो फिर हम उनकी जो नेगेटिव चीज़ें भी अडॉप्ट करेंगे, ये जनरल थॉट है। नहीं, उनकी नेगेटिव चीज़ें अडॉप्ट करें, उनकी नेगेटिव क्या है मुझे बताएं आप, ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है। उनकी नेगेटिव क्या है, क्या वो मिलावट करते हैं, क्या वो बीवी की तस्वीरें उसकी इजाज़त के बगैर अप करते हैं, क्या वो अपने कंट्री के अंदर टैक्स चोरी करते हैं, क्या बाहर के कंट्रीज़ में ऐसे वाकयात हमारी सोसाइटी ने नहीं सुने कि बीवियां तलाक ले लेती हैं अपने शोहरों से अगर उन्हें पता चल जाए कि ये मेरे मुल्क का टैक्स चोरी कर रहा है। इस बात पे जर्मनी में आज नहीं, आज से 20 साल 15 साल पहले की बात है, 2002-03 की बात है कि वहाँ पर बीवी ने डाइवोर्स कर दिया अपने शोहर को कि उसको नॉलेज हुआ कि हालांकि वो वेरी हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। जी जी जी। तो ऐसे लोग भी तो है ना, ऐसे लोगों की क्यों नहीं हम एग्जांपल्स लेते कि इतना क्लोज रिलेशन मियां बीवी और बच्चों का होता है वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। मैं आपको यूरोपियन कंट्री का एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि एक बेटी ने अपने बाप को सजा करवाई किस तरह से कि वो बाप और बेटी हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो नाराजगी हो ना ही उन चीज़ों उन कौमों में इस तरह की जातियात इस लेवल पे होती हैं। अर्ज मैं ये कर रहा हूँ कि उस बच्ची को जब वो शी इज 22 ईयर ओल्ड तो उसको पता चला कि आज से 18 साल पहले मेरे बाप ने एक मर्डर किया था और वो केस बंद हो गया था, पुलिस को मिला नहीं था बंदे का सुराग। वो कोर्ट गई, अपने इंस्टीट्यूशंस अदारों में गई, लॉ इन्फोर्समेंट में, उसने जाकर वो इन्फॉर्मेशन शेयर की किसी ऑफिसर के साथ, उसने उस फाइल को दोबारा रीओपन किया, री इन्वेस्टिगेट किया, उस नई जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी बेटी की तरफ से, क्योंकि उसने बोला था कि मैंने अपने बाप को अपने बेडरूम में टेलीफोन पे किसी से ये बातें करते सुना है। जब उन्होंने उस पैराडाइम पे उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो एट द एंड लास्ट डे जब वो कोर्ट में पेश उन्हें गिरफ्तार करके उसके बाप को किया तो विटनेस बॉक्स में उसकी बेटी खड़ी हुई थी गवाही देने के लिए कि ये जो बात है वो दुरुस्त है। क्या आपने अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग इस तरह से की है कि वो जातियात पे, यहाँ तो ये होता है मैडम कोई बंदा अगर एक इंस्पेक्टर थानेदार लग जाए ना हमारी सोसाइटी में तो वो 500 किलोमीटर दूर भी उसके कोई रिश्तेदार रहते हैं ना उसके शहर से, वो फोन करेंगे कि जी वो हमारे नौकर दे अगे तो बंदे था वो चोरी में पकड़ा गया है तो वहां के एसएचओ को फोन करो। देखो ये लोगों की सोच है, सोच है। अब जिसकी चोरी हुई है उसके साथ कोई नहीं खड़ा। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब साइबर क्राइम लॉ बहुत ज़्यादा लाइक लोगों तक अवेयरनेस पहुंची है तो उस हवाले से बताएं कि अभी साइबर क्राइम लॉ कहां तक किस स्टेज पर है और वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करें। मोस्टली हमें पता तो है साइबर क्राइम लॉ है मगर वो क्या है वो हमें नहीं पता, तो आपसे हम सुनना चाहेंगे। साइबर क्राइम लॉ जो है वो पाकिस्तान में अभी बिल्कुल न्यूली एक्ट बना है। वैसे तो 2007 में साइबर क्राइम के लिए पाकिस्तान में लेजिस्लेशन हुई थी, पीको 2007, जिसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस कहते थे, वो उस वक्त ऑर्डिनेंस था जी जी। उसके बाद ये ऑर्डिनेंस चलता रहा इस कंट्री में कुछ अर्सा, उसके बाद ये अब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बना है। अच्छा। जो कि पाकिस्तान के अंदर साइबर रिलेटेड कानून को देखता है, जिसमें हेट स्पीच को भी देखा जाता है, जिसमें डेफिमेशन, कोई किसी को डिफेम करे, जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में लोगों को सोशल मीडिया पे आने का तो शौक हो गया बट वो इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस इंस्टीट्यूशन सपोज एफआईए के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आती है, बिल्कुल ऐसा होता है, जुडिशली के अगेंस्ट आती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट आती है, पाकिस्तान के डिफरेंट अदारों के अगेंस्ट कोई कमेंट्स करता है, इवन जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर अदारा है पाक आर्मी उस पर लोग कमेंट्स करना शुरू हो गए हैं। तो ये मदर पिलर आज़ाद सोशल मीडिया या मीडिया सर ये क्राइम है, जैसे आपने मुझे बताया उन पर कमेंट करना या उनको डीफेम करना ये सोशल मीडिया सोशल क्राइम है। अच्छा ओके। ये किसी इंडिविजुअल को भी करना क्राइम है, इंस्टीट्यूशन को करना तो बहुत बड़ा क्राइम है। जो आपने क्वेश्चन किया कि अभी हमारे लॉज कहाँ तक हैं, तो मैं अर्ज करूँगा कि लॉज अभी हमारे बड़े बच्चे हैं, छोटे से हैं, जनरेट हो रहे ग्रो कर रहे हैं,
نئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لا ڈپارٹمنٹس جو قوانین بنانے والے تھنک ٹینکس ہیں وہ ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں. جب ایک کیس پروسیڈ ہوتا ہے، لائف سائیکل میں آتا ہے پورا نیا لا، اس کے تحت عدالتوں میں کیس جا رہے ہیں، اس کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کر کے ہم سبمٹ کر رہے ہیں اور پنشمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اس میں ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہتی ہے اور وہ کر رہے ہیں. ابھی تو اس کا 2016 میں ایک ورژن پہلا آیا ہے اس لا کا، اس نے ڈیفینیٹلی ریفائن ہوتے رہنا ہے اور جب یہ پورے اپنے سائیکل میں موو کرے گا تو اس کے پازیٹیو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز سامنے آ رہے ہیں تو ان کو ٹھیک کیا جائے گا اور جانا چاہیے. تو سر کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر جو اس لا کو توڑیں گے ان کو سزا بھی ملے گی؟ مل رہی ہے، مل رہی ہے لوگوں کو، مل رہی ہے لوگوں کو، سزائیں ہو رہی ہیں. آپ کو وہ ہم نے سمری پرووائڈ کی ہے سائبر کرائم کی ایکٹیویٹی، جس میں تمام ہمارے کیسز، کورٹ ورک ڈیٹیلز کے کورٹس میں کن چیزوں کو کے اوپر کیا سزا ہوئی ہے، وہ سب چیزیں اویلیبل ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں. جی سر. اچھا ابھی ایک اور کیس جو بھی ریسنٹلی ہمارے سامنے آیا لیور ٹرانسپلانٹیشن کا، تو اس حوالے سے بتائیں ہمارے ویورس کو کہ وہ کیا تھا اور کیسے آپ لوگوں نے ان کو، ان کرمنلس کو کیسے پکڑا، لائک کیا آپ کی اسٹریٹجیز تھیں؟ ایکچولی ہمارے کنٹری میں قوانین تقریباً سارے موجود ہیں. ہوٹا ایک ہے، ہوٹا جسے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ کہتے ہیں. جی. جب یہ وفاق کے پاکستان نے ہوٹا کو بنایا تو اس کے بعد پروونسز نے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا، کیونکہ پاورز جو ہیں وہ مل گئی تھی ہیلتھ ریلیٹڈ، ایجوکیشن اور جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. میرا خیال 20ویں ترمیم کے ذریعے، آئینی ترمیم جب ہوئی تھی لاسٹ گورنمنٹ میں، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس میں جب اس کو یہ ملا تو یہ اس کے بعد یہ جب صوبوں کو مل گئی تو اس کے بعد پی ہوٹا بنا، ہوٹا کے بعد پی ہوٹا بنا جو کہ پنجاب نے بنایا. باقی صوبوں میں میرے نالج میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے کہ نہیں بنا ابھی تک، ان صوبوں نے اس کو امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں کیا ابھی ایز اے ایکٹ. پنجاب میں پی ہوٹا بنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیومن آرگنز جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹیشن کا ایک میتھڈالوجی ہے، ایک طریقہ ہے جی. اس کے تحت آپ کر سکتے ہیں. جیسے میرا ریڈ تھا ای ایم ای میں گردوں کا، انلیگل گردوں ٹرانسپلانٹ کا، اس کے بعد پیر محل میں جو کہ پکڑا تھا، بڑا مشہور کیس ہوا تھا یہ لاسٹ ایئر 2017 میں، تو دونوں کیسز تھے اس میں. اور جیسے آپ ابھی ایک، یہ بھی اسی ایکٹ کے انڈر آتا ہے جو آپ لیور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، کہہ رہی ہیں، یہ جو ریسنٹ لاسٹ سیچرڈے کو ہوا ہے. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں، کوئی بیمار ہو علاج کروانا اس کا حق ہے، بالکل، لیکن ایکسپلائٹیشن کے ساتھ ایک غریب خاتون سے یا ایک غریب باپ سے جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس کے پاس 1,00,000 روپیہ نہیں تھا تو اسے گردہ بیچنا پڑا. اس کا پہلو یہ ہے کہ ڈونر کون ہے اور ڈونی کون ہے. بالکل. ڈونیز عام طور پہ باہر کے کنٹریز سے فارنرز پاکستان میں آتے ہیں، جو 70,00,000, 60,00,000, 80,00,000 روپیہ ان اللیگل ہاسپٹلس کو پے کرتے ہیں. اور یہ جو گردہ باہر کرتے ہیں، میں آپ کو ایک ریئلسٹک ہاسپٹلس کیوں ابھی تک چل رہے ہیں؟ نہیں، انلیگل ہاسپٹلس چل رہے اس لیے رہے ہیں کہ وہ، جیسے پیر محل کی بات کر لیتا ہوں، پیر محل ٹوبا ٹیکسنگ کی ایک تحصیل ہے، اس وقت دیہات کی طرح ہے. وہاں اگر کچھ ڈاکٹرز نے مل کر ایک کوٹھی میں، اور وہ ڈاکٹرز بھی جعلی ڈاکٹرز تھے، ایک کوٹھی میں ایک کمرے کے اندر آپریشن تھیٹر بنایا ہوا ہے، اور ان کا میڈم نیٹ ورک اتنا مشکل ان ارتھ کرنا ہے ٹیکنیکلی، کہ آپ کو کیسے خواب آئے گا کہ اس کوٹھی کے اندر کچھ انلیگل ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے. پورا پاکستان ہے، اتنا رقبہ ہے. گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، باہر کے کنٹریز میں ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں جو فارنر سے، لوکل بھی کرتے ہیں، زیادہ فارنرز کرتے ہیں، وہاں سے یہ 50,00,000, 60,00,000, 80,00,000 لیا، یہاں پر آئے. جو لاسٹ کیس میں جس بندے نے گردہ دیا تھا، وہ میڈم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس نے 1,00,000 میں اس کے گردے کا سودا ہوا تھا، اس کو 70,000 ملے اور 65,00,000 اس فارنر شہری سے ان ڈاکٹروں نے وصول کیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ رکشے والا غریب آدمی اپنا گردہ کیوں بیچ رہا تھا؟ کیونکہ بیٹی کی شادی کرنی تھی. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں غربت کتنی ہے، لوگ غربت کے ہاتھوں کوئی بندہ اپنا کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی رکشہ بیچتا ہے، کوئی گھر بیچتا ہے. اب لوگ اپنے اعضاء بیچنا شروع ہو گئے ہیں.
गुर्दा डोनेट करने में मुझे कोई या एफआईए को या पी हुटा को या हुटा को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट को या किसी भी कानून को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये है कि जो पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर असूल है जाबते हैं कि डोनर कौन होगा डोनी कौन होगा। अगर किसी ने किडनी लगवाना है या लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसका कोई ब्लड रिलेशन दे सबसे पहले जी। लोगों की खरीदो फरोख्त ट्रेडिंग तो ना हो इसमें। एफआईए का पाकिस्तान के अंदर अगर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर या किसी भी मेडिसिन के कैटेगरी में काम हुआ है पूरे पाकिस्तान में तो वो हमारे पंजाब में हुआ है, वो भी ड्यू टू डॉक्टर उस्मान जो डायरेक्टर एफआईए पंजाब है। अच्छा। वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर है, डीआईजी होने के साथ साथ वो डॉक्टर है, वो इन चीज़ों की सेंसिटिविटी को समझते हैं और वो फिर हम लोगों को गाइड करते हैं के क्योंकि हम लोग तो मेडिसिन फील्ड या मेडिकल के नहीं हैं। बिल्कुल। पंजाब में पहली दफ़ा एफआईए में ऐसा हुआ कि डॉक्टर उस्मान अनवर ने हेल्थ डिपार्टमेंट से एक इंस्पेक्टर डायरेक्ट हायर किया कि एफआईए क्योंकि पूरे पंजाब में रेड करेगी, हेल्थ जो आपका ड्रग एक्ट 1976 है और उसके बाद उसके अमेंडेड जो भी अपडेट्स हैं वो ये कहता है कि ड्रग इंस्पेक्टर के बगैर हम कहीं रेड नहीं कर सकते, ड्रग रिलेटेड रेड के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी जरूरी है। जरूरी है। तो हम लोगों को प्रॉब्लम ये होती थी कि हमने दूर दराज इलाकों में जाना था तो वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेते थे तो वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी, वो वहाँ से क्राइम मिट जाता था जी। तो हमारे डॉक्टर साहब का विजन था उस्मान अनवर साहब का कि उन्होंने ये कहा कि एक ड्रग इंस्पेक्टर डेडिकेटेड एफआईए को दे दो ताकि हमें किसी और को इंफॉर्मेशन शेयर ना करनी पड़े, क्योंकि वो समझते थे एजेंसी के डायरेक्टर हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर हैं, तो समझते हैं। हालात बेहतर हुए? बहुत बेहतर। ये सारे रेट जो आप क्वेश्चन कर रही हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इलीगल मेडिसिन, स्टंट केसेस को जो लोगों के दिलों में वो हार्ट के अंदर वो जो स्टंट डलते हैं, स्टंट तो वैसे अब हर चीज में डल रहे हैं लेकिन जो हार्ट रिलेटेड स्टंट हैं कैथ लैब में जो डलते हैं वो इलीगली डल रहे थे और सारा कुछ गलत हो रहा था, उसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 2017 में सो मोटो भी लिया था हमारे उस रेड के ऊपर। और पाकिस्तान में उससे इम्पेक्ट ये हुआ कि गरीब आवाम में जो स्टंट बॉडी के अंदर 1.5-2 लाख में डॉक्टर्स डाल रहे थे, अगर 2 डलवाने थे तो 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसको उसका रेट फिक्स कर दिया कि 90,000 में एक स्टंट डलेगा, दूसरे के लिए उन्होंने कहा कि 25,000, 1,25,000 में। देखिए अब दो स्टंट आपके कंट्री में उस रेड के बाद जो आप इंपैक्ट पूछ रही हैं कि एफआईए की कार्रवाई के बाद सोसाइटी को क्या फायदा हुआ। बिल्कुल, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। सोसाइटी पे इंपैक्ट ये हुआ कि पहले डॉक्टर्स कुछ ऐसे करते थे कि अगर स्टंट एक की जरूरत है तो पेशेंट को कहा कि 2 डलने, ये भी केसेस, ये भी ऐसी रिपोर्ट भी है हमारे पास कि 2 डलने हैं, डाला एक, किसी ने जाकर देखना तो नहीं है स्टंट अंदर एक है कि 2 है, बाद में पेशेंट को क्या पता जी। वो तब पता चलता है जब पेशेंट को कुछ साल बाद दोबारा कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास आता है तो कहता है, किसी और डॉक्टर के पास जाता है कि जी मेरे 2 स्टंट डले हुए हैं, वो हंसता है कि यार आपके तो एक भी नहीं है या आपके एक है, तो वो कहता है कि ये रसीदे हैं मैंने 4 साल पहले स्टंट डलवाए थे। तो गुजारिश में ये कर रहा हूँ कि इस किस्म का जो घिनौना खेल इस सिविल सोसाइटी के साथ खेला जा रहा था उसकी प्राइस कंट्रोल हो गई। सर आपको लगता है कि अभी ऐसा ये खेल नहीं चल रहा या कुछ लोग अभी भी हैं? ये तो कोई भी कभी नहीं कह सकता इतने वसूख से कि ये खेल नहीं चल रहा, या मैं ये नहीं कह सकता कि दूध में मिलावट होना बंद हो गई है क्योंकि फूड अथॉरिटी ने बहुत काम किया है। क्यों नहीं बंद हो रही जब अगर काम कर रही है फूड अथॉरिटी तो क्यों नहीं बंद हो रही? ये असल बात आपने अब की है कि ये क्यों नहीं बंद हो रही। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अब इस पे अपनी जाती ओपिनियन देना चाहूंगा, कोई ऑफिशियल ओपिनियन नहीं है। ये इसलिए नहीं बंद हो रही कि हम लोग खुद चोर हैं, हम सिविल सोसाइटी जो है हमारे अंदर खुद इतने चोर हैं, हम खुद इतना हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। हम कहते तो हैं कि हम नामूसे रसालत पे मर मिटेंगे, लेकिन मैं एक सवाल करता हूं इस मुबारक रमज़ानुल मुबारक के महीने से के तवस्सुस से कि इसी महीने में कितने ज़खीरा अंदोज़ों ने ज़खीरा अंदोज़ी छोड़ दी, कितने मिलावट करने वालों ने कितनी मिलावट छोड़ दी, क्या आप नामूसे रसालत की वो सही तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जो लोग मिलावट कर रहे हैं? क्या अगर मैं आपका हक खा रहा हूँ आप किसी और का खा रहे हैं और किसी और का खा रहा है
تو کیا ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے میڈم. گزارش یہ ہے کہ ہماری تعلیمات جو ہیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ناموس رسالت پہ مر مٹیں گے, تو کبھی سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت کیوں اس دنیا میں بھیجا جب اور بھی تو 124,000 انبیاء کرام تشریف لائے تھے, اور بھی آ سکتے تھے آپ, اور بھی لیٹ ہو سکتے تھے, لیکن اس قوم میں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا کہ آپ سرکار جو کہ آنے سے پہلے اس سوسائٹی میں کیا تھا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا, کہیں بیٹیوں کو زندہ درگو کر دینا, کہیں بیٹیوں کے ساتھ زنا, کہیں بہن بھائی کا زنا, کہیں پر معاشرہ غلاظت کا ایک ڈھیر بن چکا تھا. تو میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلے ابھی جیل روڈ پہ, مال روڈ پہ ایک بائک والا جا رہا ہوگا گینگ گینگ کرتا, دوسرا ساتھ میں آئے گا ٹینگ ٹینگ کرے گا اور ریس شروع, آگے جا کے خدا نہ خواستہ کسی سے ایکسیڈنٹ کریں گے. تو یہ گھوڑا دوڑانے کا جھگڑا نہیں ہے, وہ اس وقت سواری گھوڑا تھی, آج موٹر سائیکل ہے, کار ہے. اب جی ٹی روڈ موٹر وے پہ تشریف لے جائے, وہاں پر بلا وجہ کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک گاڑی گزرے گی ٹین کر کے تو دوسرے کو مفت میں. لیکن سر معذرت کے ساتھ یہ بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں سول سوسائٹی بہت بری ہے, لیکن بری نہیں ہے جو بھی آپ جیسے جو ایشوز آپ بتا رہے ہیں, لیکن آپ کے جو فورسز ہیں وہ بھی تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. وہ کر رہی ہیں, دیکھیں اپنی کیپیسٹی میں جو جس طرح کے ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ابھی ہم رولز کو آہستہ آہستہ, ابھی میں آپ بالکل آپ کی بات 100% ویلڈ ہے, آپ ٹریفک کے حالات ہی دیکھ لیں, کیا آپ کے سڑکوں کے اوپر جو بندے کا لائسنس بھی نہیں بن سکتا وہ گاڑی موٹر سائیکل نہیں چلا رہا. سر یہ بھی ہے, لیکن سر ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ ہم اپنے شو کے اینڈ پہ پہنچنے والے ہیں, کہ ایک یوتھ کے حوالے سے ایک میسج دے دیں ہمارے یوتھ کو کہ کن چیزوں سے انہیں بچنا چاہیے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, چھوٹا سا میسج, اس کے بعد پھر ہم شو کی اینڈنگ کی طرف آئیں گے. میسج یہ ہے کہ یوتھ کو اور یوتھ کے پیرنٹس کو اور ان کے تربیت کرنے والوں کو کہ کائنڈلی اپنی عزت آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں انفارچونیٹلی عزت کی بجائے آج کل موبائل ہے جو کہ اینڈرائڈ ہے. میں سے پہلے وہ کہتے تھے نا عزت آپ کے ہاتھ میں, اب موبائل ہاتھ میں ہے, تو خدا را اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے اپنی قابل اعتراض یا صحیح بھی پکچرز بنا کر لوگوں کو ڈی فیم کرنا بند کر دیں. اس سوسائٹی میں اور بہت سارے ایشوز ہیں, اس ایک گھٹیا ایشو کی وجہ سے پاکستان اور مسلمان پوری دنیا میں ڈی فیم ہو رہے ہیں, دوسرے ممالک میں ہمارے بارے میں گندے ویوز ڈیولپ ہو رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنا وقت ان فضولیات پہ ضائع کریں کچھ کریٹیویٹی کریں ان قوموں کی طرح جو دیہاتوں میں بیٹھے تھے وہیں کچھ بنانے لگے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین اور میرے تمام ینگسٹرز, پلیز سر کی بات سنیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم باقی چیزوں پہ بھی لگائیں, سر سوشل میڈیا بھی یوز کریں لیکن لمیٹڈ فارم میں. جی جناب, اب میں اب لائک سائن آؤٹ کرنے والی ہوں, کل پھر ملاقات ہوگی 9 بجے صبح, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. تو انشاءاللہ سی یو ٹمارو, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.